लाला हरदयाल भारत के महान क्रांतिकारी थे। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के मोहल्ला चिड़ियाखाना, जो कि अब चांदनी चौक है, में हुआ था। इनके पिता का नाम गौरी दयाल माथुर व माता का नाम भोली रानी था। लाला हरदयाल के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। सुंदर रानी नाम की महिला से 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका निधन हो गया। बाद में एक पुत्री हुई। लाला हरदयाल ने दिल्ली में पढ़ते समय अमीर चंद, बाल मुकुंद आदि के साथ युवकों के एक दल का गठन किया था। लाहौर में पढ़ते समय इनके दल में लाला लाजपत राय जैसे युवक भी शामिल थे। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्रवृत्ति से अध्ययन के लिए लंदन गए। लाला हरदयाल अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार नहीं करते थे। लंदन में भारतीय विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल मशीनरी नामक संस्था बनाई थी। 2 वर्ष के अध्ययन के बाद भारत वापस आ गए। छोटी उम्र में ही आर्य समाज से प्रभावित थे। लाला हरदयाल पंजाब नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक थे। इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकारी हलकों में उनकी गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी। तब लाला लाजपत राय ने इन्हें विदेश जाने का आग्रह किया। विदेश में पेरिस में लाला हरदयाल ने वंदे मातरम और तलवार नामक पत्र का संपादन किया। 1910 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गए और वहां के मजदूरों को संगठित कर गदर नामक पत्र निकाले। अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से उन्होंने अमेरिका में 25 जून 1917 को गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने जून 1915 में जर्मनी से 2 जहाजों में बंदूक भरकर बंगाल भेजा, पर मुखबिर की सूचना पर इन दोनों जहाजों को जब्त कर लिया गया था। लाला हरदयाल ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की भी यात्रा की। जर्मनी में लाला हरदयाल को कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया गया था, तो वहां से ये स्वीडन गए, जहां 15 साल तक रहे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं से सहयोग न मिलने पर ये शांति बार का प्रचार करने लगे। 1939 में लाला हरदयाल भारत आने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी पुत्री का मुंह तक नहीं देखा था। इनकी पुत्री का जन्म इनके विदेश जाने के बाद हुआ था। 4 मार्च 1939 को विदेश से भारत आते समय विदेश में ही इनका निधन हो गया। लाला हरदयाल अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी पुत्री का मुंह तक नहीं देख पाए। लाला हरदयाल के मित्र लाला हनुमंत सहाय जब तक जीवित थे, वे कहते रहे कि लाला हरदयाल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्हें जहर देकर मारा गया था। लाला हरदयाल की कुछ रचनाएं हैं, जैसे थॉट्स ऑन एजुकेशन, अमृत में विष, युगांतर सर्कुलर, राजद्रोही प्रतिबंधित साहित्य, स्वाधीन विचार, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, राइटिंग्स ऑन हरदयाल। तो ये थी लाला हरदयाल, जो कि एक क्रांतिकारी थे। उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।